हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुएब अंसारी और आप देख रहे हैं CHD वेलनेस। आ गया मैं एक और नए वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक हमारा चेस्ट पेन यानी कि छाती का दर्द। तो दोस्तों, छाती के दर्द के बारे में जानते हैं। तो छाती के दर्द के बारे में कई सारे धारणा है लोगों का कि चेस्ट पेन अगर हो रहा है तो उसे कई बार हल्का में लेता है या फिर कई लोग बहुत सीरियसली लेता है। और चेस्ट पेन कई बार लगता है वो गैस बन गया है या फिर जो है कि एसिडिटी बन गई है या फिर सोने उठने बैठे में कुछ नस वगैरह खिंच गया हो, इस वजह से चेस्ट पेन हो रहा है। लेकिन कई बार हो सकता है कि चेस्ट पेन सीरियस कॉजेज भी होता है। और कई बार लोगों को लगता है कि चेस्ट पेन की वजह से मेरा हार्ट डिजीज़ हो गया है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसकी वजह से लोग घबरा जाता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि चेस्ट पेन को लेकर कई लोग बहुत हल्का यानी हल्का में लेता है और कई लोग बहुत सीरियस हो जाता है चेस्ट पेन को लेकर के। तो जो लोग सीरियस होता है, मैं इसे बताना चाहूँगा कि हर बार चेस्ट पेन होने का मतलब ये नहीं कि हार्ट डिजीज़ ही है। चेस्ट पेन हो सकता है कि लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ गया हो, उसकी वजह से हो सकता है चेस्ट पेन। आपकी जो खाने की नली है जिसे ऐसा फंगस बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। आपकी मसल्स हैं, उसमें कोई दिक्कत आ गया हो, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। या फिर नर्व्स में कोई दिक्कत आ गई है तो भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कुछ कॉज के बारे में चेस्ट पेन का। जैसे कि कॉरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज़ की वजह से भी कई बार चेस्ट पेन होता है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। हमारा हार्ट का ब्लड वेसल्स जब ब्लॉक हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होती है और तब भी चेस्ट पेन होता है। दूसरा जो मेजर कारण है वो है हार्ट अटैक का। अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तब भी चेस्ट पेन होता है। लेकिन हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स हैं वो चेस्ट पेन के साथ में आपको ब्रेथलेसनेस होगा, सांस लंबी लंबी आएगी, सांस में दिक्कत आएगी, छाती भारी भारी से लगेगा और आपका जो पेन है वो जाव की तरफ होगा, आर्म्स में आएगा, बैक में जाएगा और स्वेटिंग होगी, लाइट हेडेक होगा और घबराहट होगा और ब्रेथलेसनेस होगा और आपको थोड़ा सा डिजनेस भी आ सकती है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, ये सीरियस प्रॉब्लम है। जो दूसरा तीसरा प्रॉब्लम है चेस्ट पेन का वो है हार्ट के अंदर में स्वेलिंग आ जाने से भी कई बार जो है कि हमारा चेस्ट पेन होता है। एक होता है एंजाइना, एंजाइना की वजह से भी चेस्ट पेन होता है। एंजाइना मीन्स की होता है कि हमारा हार्ट के अंदर में ब्लड फ्लो का कम हो जाना, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन कंटिन्यू बना रह सकता है, उसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। कई बार रिप्स इंजुरी हो जाती है हमारी, रिप्स इंजुरी की वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। और प्यूराइटिस होता है एक प्रॉब्लम, प्यूराइटिस मीन्स कि हमारे जो लंग्स का कैप्सूल्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, उसके अंदर में स्वेलिंग आ जाती है, उसकी वजह से भी हमें चेस्ट पेन होता है। अस्थमा किसी को है, एयरवेज की स्वेलिंग, एयरवेज में अगर स्वेलिंग आती है अस्थमा की वजह से, तभी जो है कि चेस्ट पेन हो सकता है। टबरक्लोसिस यानी लंग्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी, टीबी की वजह से भी आपको चेस्ट पेन हो सकता है। पेप्टिक अल्सर की वजह से भी यानी स्टमक के अंदर में शोर्स घाव बन जाता है, उसकी वजह से भी आपका चेस्ट पेन हो सकता है। और गैस्ट्रिक रिफ्लैक्स डिजीज़ यानी कि ज़्यादा एसिड बनने की वजह से भी चेस्ट पेन कई बार हो जाता है। लंग्स कोलैप्स हो जाने की वजह से भी हमारा चेस्ट पेन होता है। या फिर हाइटल हर्निया यानी कि हमारा पेट की हर्निया की वजह से भी हमें चेस्ट पेन कंटिन्यू बना रह सकता है। निमोनिया यानी लंग इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा जो है कि चेस्ट में पेन बना रह सकता है। और जो आती है दोस्तों वो चेस्ट में कोई तरह किसी तरह कैंसर हो, ट्यूमर बन गया हो अंदर में, उसकी वजह से भी कई बार हमारा चेस्ट पेन बना रह सकता है। एक होता है पैनिक अटैक यानी कि फेयर, डर, स्ट्रेस, एंजाइटी। कई बार तो लोगों को कुछ भी रीज़न नहीं होता है, सिर्फ फेयर एंजाइटी यानी पैनिक अटैक की वजह से भी चेस्ट पेन कंटिन्यू बना रहता है। जबकि सारा सिटी स्कैन सब कुछ करा लिया आपने, कुछ भी नहीं मिलता है, एक्चुअल में उसे जो है कि पैनिक अटैक होता है, वो फेयर कुछ को डर, स्ट्रेस और जो है कि डिप्रेशन की वजह से भी कई बार जो है कि चेस्ट पेन होता है। प्लूरल इफ्यूशन मीन्स लंग्स के अंदर में फ्लूड्स भर जाना, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन आपको हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ था मेजर कारण चेस्ट पेन का और कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जैसे कि आपको बताया मैंने, चेस्ट पेन के साथ में अगर ब्रेथलेस सांस में दिक्कत हो रही है,
जा पेन हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग्स हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और से जो चेस्ट पेन है बहुत ज़्यादा हो रही है, एकदम से बढ़ गया हो, कंटिन्यू हो रहा हो, लगातार हो रहा हो, जा नहीं रहा हो, छाती हल्का हो रहा हो, छाती भरा भरा लग रहा हो, तो दोस्तों तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये था चेस्ट पेन के बारे में जानकारी। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसी लगी है मेरे हमारी जानकारी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।